सो गाइस, मैं फाइनली सिलीगुड़ी पहुंच गया हूं। और जैसे मैं सिलीगुड़ी पहुंचा तो यार मेरे एक दादा के साथ मीट हुआ, जो कि वो भी ब्लॉगर है। तो ऐसा कुछ सीन है, तो ये है वो दादा। हाय। हेलो। तो ये दादा के साथ इनके दो सर है। तो सीन क्या हुआ, जैसे मैं पहुंचा तो मैंने आज रुकना था, तो जैसे ही इनके साथ मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आज कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला भैया आज मेरे को इधर ही रुकना है, तो बाकी फिर कल निकल जाऊंगा आगे। तो उन्होंने कहा आप मेरे पास रुक सकते हो, तो बाकी हम, मैंने बोला ठीक है कोई बात। तो ये जगह मुझे ऐसी लग रही जैसे हमारे जम्मू में एक वो नहीं था जज्जल कोटली, तो वहाँ पे भी ऐसी नदी है, साथ में चारों तरफ पहाड़ है, तो बीच में से पानी आता, तो वैसे ही है ये भी। तो दिखाता हूँ आपको, अच्छी है। और इससे पहले जब हम आए थे, मैं आ रहा था रास्ते में, तो चाय बगान भी था, तो वो मैं अभी जाते वक्त शूट करूंगा, वो पहले किया नहीं था। तो ये देख सकते हो, ये नदी सी बह रही है। तो ये वो जगह है, इसको दुधिया बोलते हैं। तो वो दादा लोग अपने बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। भैया ने जी पहले गोप्रो से शूट करते थे भैया, तो अभी रिसेंटली उन्होंने थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, तो इधर देख कैनन कौन सा 200D. हाँ 200D लिया है, जो बोल रहे हैं कि अब इससे हम ब्लॉगिंग करेंगे और शूट करेंगे, तो बाकी इससे तो और बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए बॉक्स लेके घूम रहा है, क्योंकि बैग खरीदने का पैसा नहीं है। अच्छा, तो जब इतना खरीद लिया तो बैग तो इजीली ले सकते हैं, कोई वो है नहीं। तो देख सकते हो ब्रो, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी हम भी भगवान, रात को मजा होगा और आएगा और ब्लॉग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है शानू का सब एक्सपीरियंस जो है सब कुछ वो करूंगा। ठीक है जी, मेरा जो प्लान था एक साल का दो साल का, शानू ने 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं, अगर आप फ्री होते तो आप जरूर कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ है, तो अब पहले शूट या क्या बोलते हैं अपना फोटो शूटो का देख रहे हैं, ट्राई करके फोटो शूट करेंगे, फिर यहां से जो है हम लोग फिर सिलीगुड़ी में जाएंगे। ठीक है ठीक है, रात को बैठ के एक साथ में भाई का पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे, गपशप लगाएंगे अपना जो भी है। ऐसा सा जगह घूम के आया ना नॉर्थ ईस्ट का, जो 7 स्टेट इसमें एक मेरा भी है, मतलब अरुणाचल। हां सब 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 बिल्कुल बिल्कुल, त्रिपुरा। हां ठीक है ठीक है ठीक है। तो और सर आप बताएं अपने बारे में कुछ, आप भैया के क्या क्लीक है या दोस्त हैं, क्या मतलब? हम क्लीक है। अच्छा, मैं कोलकाता से हूँ, मेरा नाम विष्णु है। ओके ओके, दोनों हेल्थ वर्कर है दोनों ही। ठीक है ठीक है, अभी कोलकाता में जाने वाला था तो... आज का ट्रेन है मेरा। अच्छा आपका आज क्या है? नहीं मैं भी जाने वाला था कुछ 2-4 दिन के बाद, बट मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब प्लान में चेंजेस आ गए, तो मैं अभी जम्मू जा रहा हूँ, बाकी बाद में आऊंगा। अच्छा ठीक है, तो वो सर दूसरे सर? डॉक्टर सर है। अच्छा डॉक्टर सर है, ठीक है ठीक है। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए, आप भैया के दोस्त हैं कि क्या मतलब क्लीग हैं? मैं डॉक्टर राजेश हूँ, हम लोग एक ही साथ, मतलब जब कोविड का जब आया था तो ठीक है, हम लोग एक ही साथ यहाँ पे, ये कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता से यहाँ डॉक्टर चैंग नर्सिंग होम है। अच्छा, तो वहाँ पे इनका पोस्टिंग हुआ था और मैं तो एज अ डॉक्टर वहाँ पे था। तो आप लोकल है यहाँ के, सिलीगुड़ी के? मैं यहाँ का लोकल ही हूँ। ओके ओके ओके, तो उसी वजह से भाई के आप नोन है आप? उसी लिए नोन है। ठीक है, अभिजीत भाई के? जी जी। ठीक है ठीक है, ओके। देखो जी फोटो शूट की ट्रायल हो रही है, तो भैया शूट कर रहे हैं तो ट्रायल ले रहे हैं कैसे कैसे सेट किया जाए। पहले वो सेटिंग सेट कर रहे हैं, तो उसके बाद शूट भी हो रहा है। तो अच्छी जगह काफ़ी है, पीछे पहाड़ों का ट्रायंगल सा बना हुआ है, बाकी नदी बह रही है, पानी गर्म है, ये नहीं कि वहाँ की तरह अरुणाचल उधर की तरह ठंडा, आदमी पाँव भी ना घुसा पाए, तो गर्म पानी अच्छा है। बाकी नहा लेता मैं अगर दिन होता तो, अभी नहाऊंगा नहीं, उधर ही भैया के पास घर पे जाके अच्छे से फ्रेश फ्रेश होऊंगा, बाकी बताते हैं आपको क्या होता है। तो जी फोटो शोटो भी बड़ी शूट कर ली, तो भैया ब्लॉग कर रहे हैं DSLR में, तो मज़ा आएगा काफ़ी। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी घूम लिया मैंने, तो अब भैया लोगों के साथ फोटो शोटो शूट भी हो गया, अब जा रहा हूँ भैया के साथ उनके घर पे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बाजार दिखाऊंगा, तो बाकी कैसे क्या क्या है क्या नहीं है जो भी है आपको आगे बताऊंगा ब्लॉग में, ऐसा कुछ है। चलते हैं अब यहाँ से आगे। सो काफ़ी देर मजा वजा किया, फोटो शोटो शूट किया, बस अब निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो बाकी टाइम भी हो गया करीबन 6 बजे। हाँ 6 बजे तो अंधेरा हो रहा है, बाकी नॉर्थ ईस्ट वगैरह उधर होते 5 बजे अंधेरा हो जाता, तो अब जाते हैं भैया के वहाँ पे, तो घर तो नहीं है भैया के, आज घर के फ्रेंड के पास रुक रहे हैं, तो बाकी फ्यूचर में आपको दिखाएंगे।
जस्ट अभी हम पहुंचे हैं भैया के साथ आके, भैया के फ्रेंड है उनके घर पे, तो रास्ते में चाय वाय पी थी हमने, तो ये वो भैया। हेलो भैया, हाय, क्या नाम है आपका? राहुल। हाँ, तो राहुल जी इनका नाम है, नाम तो सुना होगा आपने ना, काफी फेमस नाम है राहुल। तो भैया पानी वानी पी रहे हैं, तो बैठे थोड़ा बहुत अभी ब्लॉग का शूटिंग होगा। तो वैसा कुछ सीन है जी, तो बाकी इनका नाम सुन के मुझे याद आ गया, कुछ कुछ होता है ना, राहुल नाम तो सुना होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखो हैंडसम भी वैसा ही है, तो अब शर्म आगे भैया का थोड़ा अंदर जा रहे हैं, ऐसा कुछ सीन है, बाकी आगे क्या क्या होगा आपको बता। सो जी, अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें से भैया ने आज मेरे लिए स्पेशल चिकन लाया हुआ है, चिकन लाया हुआ भैया ने, तैयारी हो रही है जिसमें से प्याज काटने, और यार ये चीज है, इसका नाम स्वाश करके कुछ है, जो कि सेम अमरूद की तरह है, हमारे वहाँ जम्मू में नहीं मिलता, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, स्कॉर्च करके बोलते हैं, देखना जम्मू वाला है बताना, ये अमरूद है ना, सेम अमरूद लग रहा है, बट ये अमरूद नहीं है। इसका सब्जी बन जाए, तो इसका सब्जी बनता है, पहाड़ में ज्यादा होता है, अभी इसका सीजन में गया है, ठंड का टाइम में ज्यादा होता है, अभी मिलेगा। अच्छा, मिलता है वहाँ, नहीं लेकिन वहाँ नीचे नहीं मिलता ना, ये दिल्ली ब्रिज है वहाँ मिलेगा, ये नॉर्थ ईस्ट में ही देखा मैंने, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा भाई। तो इसका देखेंगे, अगर बनेगा तो ये भी खा के बताएंगे कैसा है, ऐसा कुछ सीन है। तो भैया आज खुद कुक कर रहे हैं, तो वैसे चलो होना चाहिए, खुद भी कुक करना चाहिए। तो एक भाई अपने फोन में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीन है, चलो मिलते हैं आपको बाद में बता के, खाना वाना पक जाए जब। सो भाई, मेरा भाई जो घर पे है, रेस्टोरेंट है उसका, तो वो कटिंग बहुत स्पीड में करता है, लेकिन भाई आज तो मैं स्पीचलेस हो गया, एक आदमी की, एक ये भैया की, राहुल भाई की कटिंग देख के, अब देखना आप, नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो करो उसको दिखाता हूँ, देखना जो फॉरेनर लोग करते ना फटाफट, उससे भी ज़्यादा स्पीड है, ये देखो यार, ऐसा लग रहा है मशीन चल रही है, पता नहीं कितने की स्पीड में सेट किया हुआ है, क्या बात है, क्या बात है यार, वेरी गुड। सो जी, जब हम उस टाइम खाना बना रहे थे, तो उसके बाद थोड़ा बहुत बैठा, गपशप लगाई भैया के साथ, तो अब फाइनली खाना बन गया, तो बस अब खा रहे हैं। तो ये दो प्लेट लग चुकी है, अब तीसरी प्लेट अंदर लगा रहे हैं, तो सर्व कर रहे हैं हमको अभिजीत भाई, और ये अभी डाल राहुल भाई डाल ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन है, साउथ भी आ रहा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी, रात को खाना वाना खाया, आराम से सो गए, तो अब सुबह हो गई है, तो बात कुछ ऐसी, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फ्रेश व्रेश होके, तो उसके बाद फिर आज सिलीगुड़ी घूमूंगा, और एक भाई और है उसके पास जाऊँगा। तो ये भाई के पास तक का ब्लॉग तो यही तक था, बाकी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे फिर।